हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश का वायरल पेपर जो कि 26 तारीख को यानी कल होने वाला है, उसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूं। यहां से 100% क्वेश्चन आंसर आना है। ये मान लीजिए ओरिजिनल पेपर है, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा तैयार कर लेंगे ताकि कल का आपका बेहतर परीक्षा जाए। इसमें 50 मार्क्स का टोटल परीक्षा होना है। 50 मार्क्स में आपको 30 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से कि आपको 25 का आंसर करना है और बाकी 25 नंबर का आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। तो 1.5 घंटा समय मिलेगा कुल। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु रोट टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज? ये किसने लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ऑलवेज बीन इन, इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्लुक्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। कह रहा है, एवरी ईयर इन फैक्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाय मोर देन, आंसर हो जाएगा 80 मिलियन पीपल। क्वेश्चन नंबर फोर के तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है, अ कंट्री लाइक नेपाल हैज जस्ट सो मच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा डी, एरेबल लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज इज क्या है? ये होगा ऐसे बी नंबर। चलिए 6 नंबर देखते हैं। इको एंड नार्किसस इज फ्रॉम ग्रीक, तो ये क्या था? इसका आंसर हो जाएगा माइथोलॉजी, ए हो जाएगा। नार्केसस वाज टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज, तो क्या होगा आंसर? डी होगा, हंडी। क्वेश्चन नंबर चलिए 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एट करा, हु इज द राइटर ऑफ इको एंड नार्सिसस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मोयरा कैरी एंड जॉन बेंट बेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द फर्स्ट मैसेज वाज सेंट फ्रॉम पीसी टू मोबाइल फोन ऑन द, तो क्या होगा? वोडाफोन होगा। क्या होगा? वोडाफोन बंद हो चुका है लगभग लगभग इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए करा, द नैप वाज सो एम्बैरेस्ड एंड सैम दैट सी हाइड हरसेल्फ इन अ, कहां पे हाइड करते थे? डार्क ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द टूथ ऑफ द विंटर विंड इज नॉट सो नी बिकॉज द विंटर विंड इज नॉट, क्या होगा? सी, डी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। द पोएट ऑफ ब्लो ब्लो दस विंटर विंड इज, तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका सी, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द समर्स रेन सिंबलाइज द पेरिसेबल नेचर ऑफ, क्या होगा? इसका हो जाएगा डी, गॉड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द स्पीकर सेज दैट इट इज जस्ट बिफोर द, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नून, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द मोन चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हम लोग। करा, द मॉर्निंग ड्यू हैज बीन कंपेयर्ड टू,
क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द पोएट सेज इन द पोएम टू डेफोडिल्स दैट नथिंग इज, तो क्या होगा, स्टैटिक, बी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा द पोएट ऑफ साउंड इज, द पोएट ऑफ साउंड इज, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रजनी पारुलेकर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करा बोथ द ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रिस्ट एंड द मौलवी, क्या होगा आंसर, तो इसका होगा हेटेड कबीर, कबीर। 19 नंबर देखिए, करा कबीर प्रिस्ट, क्या होगा, ये होगा टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राहु रोड द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर, तो किसने लिखा, इसका आंसर होगा बी नंबर, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कर रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन, तो आंसर क्या, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द रेन डैश, तो क्या होगा, द ट्रेन डैश है, नहीं नहीं यहां पर हो जाएगा डी नंबर, हैज जस्ट अराइव्ड, क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, माई फ्रेंड्स डैश बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंड्स है तो यहाँ हैव लगाएंगे, 22 का सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं, 23 नंबर देखिए, कह रहा यशवंत हैज बीन अनवेल डैश सैटरडे, तो हैज बीन है तो हैज बीन हो जाएगा, यहाँ पे सैटरडे है तो सिंस लगाएंगे, सिंस सैटरडे, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम होता है, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ओपन योर बुक डैश पेज नंबर 18, तो क्या होगा, ओपन योर पेज, सॉरी ओपन योर बुक, यहाँ हो जाएगा ऑन पेज नंबर 18, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पच्चीसवां करा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस है इज ही राइटिंग अ स्टोरी, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो ध्यान से बनाइए, अब देखिए सब्जेक्ट है स्टोरी, तो स्टोरी इधर हो जाएगा, इज है तो इज ये रहेगा, तो इज ए स्टोरी, यहाँ पे क्या है, इज एम आर पहले से दिया है, राइटिंग दिया है, यहाँ पे बीइंग रिटन बाय हिम बी नंबर हो जाएगा, आराम से कीजिएगा, समझ रहे, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। करा चूज द पेसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे भी पेसिव बनाना कर रहा, को कर रहा है, तो देखिए करा द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, तो यहाँ पे लगेज को सब्जेक्ट करेंगे, तो द लगेज वाज होगा, कहाँ है, तो यहाँ वाला देखिए बी नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा डी नंबर, द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, 27 कह रहा है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो क्या कह रहा है, सी सेड आई सॉ द फिल्म यस्टरडे, तो सी सेड को क्या कह देंगे, सी सेड दैट, सी सेड दैट कहां है, तो देख लीजिए इसमें भी सी सेड दैट नहीं लगा है, इसमें सी सेड दैट लगा है, इसमें भी सी सेड, इसमें सी सेड लगा, तो ये सब ठीक है। यहां देखिए सॉ द फिल्म तो पास्ट है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैड, तीनों में हैड है, अब यहाँ पे क्या है, सीन भी ठीक है, यहाँ पे देखिए बस यस्टरडे को करके प्रीवियस किया है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
28 देखिए, कह रहा है माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो कह रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो ये भी इनडायरेक्ट है, तो कह रहा है माई ग्रैंड मदर प्रीड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो पहला आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर हो गया, 29 पे चलते हैं। 29 नंबर में देखिए बच्चों ट्रांसलेशन है, क्या कह रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, पहाड़ियों पर बादल थे, तो क्या बनेगा सेंटेंस, तो देयर से बनेगा, जल्दी से अभी सेंटेंस देयर से दिया हुआ है, तो देखिए कह रहा है बादल थे तो प्लूरल कर देंगे क्या, तो चलिए प्लूरल कर देते हैं इसको, देयर वर क्लाउड्स ऑन द हिल्स, चलिए डी नंबर कर देंगे। 30 नंबर देखिए हम भारत के नागरिक हैं, तो वी आर कर देंगे, तो वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया पहला नंबर हो जाएगा, तो चलिए वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया सही है ना जी, चलिए कोई दिक्कत तो आपका क्लियर हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।